जब मैं ये कहती हूँ प्राइड ऑफ पाकिस्तान, तो वो होते हैं फख्रे पाकिस्तान, सितारे इम्तियाज और फॉर्मर मिनिस्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ग्रुप ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन हैं मियां जाहिद हुसैन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे हैं जी? बहुत शुक्रिया। मियां जाहिद हुसैन कौन है? मियां जाहिद हुसैन एक बहुत ही हम्बल पर्सनैलिटी है, एक आम से आदमी है। सबको लेके चलना और पाकिस्तान की इस वक्त मईशत जो प्रेजेंट कर रही है, क्या समझते हैं कि हम सही हैं या अभी बहुत काम करने की जरूरत है? बात यह है कि हम खुद बिगाड़ने वाले हैं। हमने ये 18 अरब डॉलर का खसारा कर दिया, और ये खसारा हुआ क्यों? वो इसलिए हुआ कि 17 अरब डॉलर की तो हमने सिर्फ एग्रीकल्चरल आइटम मंगा लिए, जिसमें 10 अरब डॉलर के फूड आइटम्स, 2 अरब डॉलर की कॉटन, 1 अरब डॉलर की चाय और 4 अरब डॉलर का पाम ऑयल। ये सारे आइटम वो हैं कि 17 अरब डॉलर का मतलब है कि 3400-3500 अरब रुपया जो है वो हमने बैरून मुल्क किसानों को दिया, अपने किसानों को नहीं दिया। किसी भी पार्टी को क्यों नहीं ज्वाइन किया? जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारा एक नेशनल एसेट है। ओके। चाहे वो नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे पीटीआई हो। ओके। ये सारी पार्टियां हमारी हैं। ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रह चुकी हैं टेक्नोलॉजी, तो उसमें क्या टेक्नोलॉजी की बात करें तो मोबाइल में इतना कुछ हो गया है, कॉन्टेंट राइटिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, yes. इसी तरीके से और बहुत सारी चीजें हैं। इंटीरियर फीमेल की जब हम बात करते हैं, कंप्यूटर के थ्रू इतना कुछ होता है, इंटीरियर डेकोरेटर्स हैं। कराची में आपका सारा बिजनेस कम लिंक्स यहीं पर रिहाइश। कराची गंदा बहुत हो गया है, कराची कचरा हो गया है। पाकिस्तान की जो टोटल एक्सपोर्ट है उसका कोई 42% एक्सपोर्ट जो है वो सिर्फ कराची से होती है। तो हमें ये चाहिए कि हम बेरोजगारों को रोजगार पे लाएं, कम रोजगार वालों को अच्छे रोजगार पे लाएं, तो इस तरीके से हमारी सोसाइटी और हमारी इकॉनमी ग्रो करेगी, और हमारा शहर, हमारा पहले हम, फिर हमारा मोहल्ला, फिर हमारा शहर, फिर हमारा मुल्क तरक्की करेगा।